हेलो दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक मुकाबले में 3 रन से भारत ने वेस्टइंडीज को हराया है। आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बना पाई वेस्टइंडीज की टीम। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में पहला मुकाबला वेस्टइंडीज को 3 रन से हरा दिया है, जिसमें कप्तान शिखर धवन ने सर्वाधिक 97 रन की पारी खेली। वहीं शुभमन गिल ने 64 रन और श्रेयस अय्यर ने 54 रन की पारियां खेली। भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर महज 308 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोए और 305 रन ही बना पाई। वेस्टइंडीज की ओर से काइल मेयर्स ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए। वहीं हम बात करें, ब्रेडन किंग ने 54 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और युजेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए। वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रन बनाने थे, लेकिन वह 11 रन ही बना पाई। रोमारियो सेफर्ड 39 रन और अकील हुसैन 33 रन की नाबाद साझेदारी की वेस्टइंडीज को जिताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मोहम्मद सिराज ने ऐसा नहीं होने दिया। 97 रन की पारी खेलने वाले टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। यह वेस्टइंडीज की ऑल ओवर लगातार 7वीं वनडे इंटरनेशनल हार है। वेस्टइंडीज लगातार अपने 7 वनडे हार चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नई अपडेट, नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।